ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि विराजी ना, बस आज मैं जा रहा हूँ ना, इसलिए संध्या थोड़ी सी नाराज है। दोनों भाई बहन बैठ के बात भी नहीं कर पाए। इनका पूरा हक है, इनकी इस नाराजगी में भी इनका प्यार है आपके लिए। जी विराजी ना जी। वैसे आप जयपुर के लिए कब निकल रहे हो? आपका हवाई जहाज वहीं से है ना? जी थोड़ी देर में निकल रहे हैं बस। वैसे सारी तैयारियां हो गई ना? कोई काम बचा तो बेझिझक मुझे बताइएगा। नहीं, पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रहे हैं भैया, सवाल ही नहीं उठता कुछ छूट जाने का। जो काम का था उसे पहले ही ले चुके होंगे, जो बेकार का था उसे छोड़ देंगे। कितना खाना लगा? कब तक नाराज रहोगी? जानू, मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पर सच बोलूं, अगर खानदान की इज्जत और आपकी इज्जत की चिंता ना होती ना, तो पछतावे के मारे किसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे देती। बाबू आखिरी बार, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। भाभी जी, बहुत हो गया, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है पेट में। लीजिए ना, आप पहली बार आए हमारे घर खाने पे। वैसे अंकुर जी, आपने घर बेचा क्यों? जी आप वो US जाके न जाने कब आना, पता नहीं वापस आऊंगा भी या नहीं, तो सोचा कि ये घर बंद करके इसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंपें, इससे अच्छा तो बेच देना ही होगा ना। जी अपनी अपनी सोच होती है जी। वैसे सच्ची बात कहूं तो शायद अगर आपकी जगह मैं होता तो ये हिम्मत कभी ना कर पाता। संतुड़ी, थारी सूरज की बीनी ना दिखाई दे रही, सोई है क्या अब तक? ई टाइम तक थारी बीनी सोवे है? मारी तो ना सोती, मैं के गई है पग फेरा करने। अभी अभी सूरज लिवाड़ने गयो है, आती ही होगी। अरे हाँ दाई साहब, घर जाकर देख ले, कहीं थारी बीनी तो ना सो रही है, जाकर उठा लीजिए, आदत बुरी पड़ जावेगी। जा ये मम्मी पापा को बहुत पसंद थी। भाभी जी, अंकुर जी आपको बाहर बुला रहे हैं, आपके निकलने का वक्त हो गया ना। चले। ये तस्वीर लगता है आपके बचपन की कोई पुरानी तस्वीर है ना? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो देख लो।